ओम नमः शिवाय। कर्ज मुक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि से आप अपने जो भी आप पर कर्ज चढ़ा हुआ है और आप उसे उतारना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से आप पर थोड़ा से कर्ज से बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो गया है और आप उसको उतार नहीं पा रहे हैं, इस वशीकरण को करने से आप अपने कर्ज को 100% 100%। ये वशीकरण इतना कार्य करता है कि चाहे आपका जितना मर्जी ज़्यादा कर्जा क्यों ना हो, उसे आप अपने इस वशीकरण विधि के प्रयोग से अपने उस कर्ज को बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। आपको कर्ज उतारने का रास्ता जो चाहिए होता है, जो मार्ग चाहिए होता है, वो मार्ग आपको ज़रूर मिलेगा और आप अपने कर्ज को बहुत ही आसानी से उतार सकेंगे। इस वशीकरण को करना बहुत ही आसान है और जो भी साधक या साध्वी इस वशीकरण विधि को कर रहे हो, तो आपने स्नान आदि करने के बाद और पूरे विधि विधान से जब इस विधि को आप कर रहे हो, तो आपको कोई देखे ना, टोके ना, किसी भी प्रकार की इस वशीकरण को करते हुए उसमें रुकावट ना आए, आप उस समय पर करें। यदि आप इस वशीकरण विधि को रात्रि में करते हैं, उस समय आपको कोई ना ही देखेगा, ना ही आपको कोई टोकेगा। आपने केवल जो ये सामग्री आपको बताई जा रही है, इस सामग्री को आपने दुकान से लेकर आना है और उसके बाद आप इस वशीकरण विधि को करें। जो साधक साथ भी बहुत लंबे समय से हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो नए साधक साध्वी हैं, वे सभी नए और पुराने साधक साध्वी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और आपके जो भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे या जिसमें रुकावटें आ रही हैं, उन सभी को आप बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकें। आपको इस वशीकरण विधि में क्या क्या सामग्री चाहिए? आपको चाहिए सफ़ेद 1.25 मीटर कपड़ा, एक नारियल और गुलाब के 5 फूल और आपको 1 का कॉइन लेना है। बहुत से साधक साध्वी ऐसे हैं जो हम बताते हैं वो नहीं लेकर आते, इस तरह से किसी भी प्रकार के वो फूल ले लेते हैं। ध्यान रहे, आपने इस प्रकार के फूल केवल आपने 5 गुलाब के फूल लेने हैं और उन गुलाब के फूलों को आपने क्या करना है, जो आपने 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लिया है उस पर आपने नारियल रखें और 5 फूल रखें गुलाब के और 1 का कॉइन रखें। इन सभी को आपने अपने सर से, या जिस जो भी कर्ज मुक्त होना चाहते हैं वे अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस पूरी सामग्री को अपने सर से उतारें और उसके बाद आपने इस पूरी सामग्री को जो भी आपके घर के नज़दीक बरगद का पेड़ हो, उस पेड़ की जड़ में आप इसको वहाँ पर रखाएं। यदि आप अपने दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ साथ एक कार्य और करें। आप एक माटी का दीपक लें और एक पेपर लें, उस पेपर पर आपने उस पेपर को ज़मीन पर नहीं जलाना है, जो माटी का दीपक लिया है उस दीपक में आपने जलाना है और जिस स्थान पर आपने इस पूरी सामग्री को रखा है वहीं पर पेड़ की जड़ में आपने उस दीपक को आपने उल्टा रख देना है, जो आपने जलाया था उसको, उस दीपक को आप उल्टा रख दें और उसके बाद आपने वहीं पर आपने किसी भी पत्थर की सहायता से आपने उस दीपक को आपने एक ही बार में आपने तोड़ देना है। तोड़ने के बाद आप वहां से सीधा अपने घर आए और घर आकर आप मुंह हाथ धोकर अपने घर में प्रवेश करें। 7 दिन लगातार आप इस वशीकरण विधि को करें और आपने सोमवार को आप इस पूरी सामग्री को आप इकट्ठा करें और मंगलवार की रात आप इस वशीकरण विधि को करें। आप देखेंगे जो आपका कर्ज था, यदि आप कर्ज मुक्त के लिए आप कर रहे हैं तो आपने कर्ज मुक्त के लिए भी आप कर सकते हैं, और यदि आप इसे अपने दुश्मन के लिए कर रहे हैं तो आप अपने दुश्मन के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर DM करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।
ओम नमः शिवाय।